नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका इस नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है हिंदी के। हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखते हैं, मॉक टेस्ट आप इनको कह सकते हैं हिंदी के। तो साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करते हैं, रूल्स भी देखते हैं कि किस नियम के कारण जो हमने ये आंसर टिक किया है वो सभी चीज़ें। और ये भी देखते हैं कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम जो क्या कर सकते हैं, एक राइट आंसर पर जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हिंदी को आपको क्यों तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो है जो डीट रिपेजमी में 20 नंबर के आपको जो है हिंदी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20 out of 20 तो होना ही चाहिए, कि आप कम से कम 19 तो जो है आप स्कोर करें ही, क्योंकि आपका जो पार्ट ए है वो आपके लिए बेस्ट है। आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना स्कोर कर सकते हैं। इसका सिलेबस आपकी मुट्ठी में हो सकता है अगर आप तैयारी करें तो। और पार्ट बी का जो सिलेबस है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपके जो दिमाग आपका किस तरीके से उस समय काम करता है वो चीज़ें भी डिपेंड करेगी। और अगर आप मैथ्स और रीजनिंग जैसे जो सब्जेक्ट है अगर उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उनमें आप ईजीली जो है 40 में से आप 35 तो जो है स्कोर कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है आपको पता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आना है तो आएगा ही। लेकिन कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसका आंसर टिक कर पाएँ नहीं कर पाए। तो आप जितना भी ज़्यादा स्कोर अगर कर सकते हैं तो पार्ट एक के अंदर आपको फोकस करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। और साथ में चंडीगढ़ जो एंटिटी है उसमें भी जो हालांकि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 है, लेकिन जो सिलेबस है वो क्वाइट सिमिलर है, ये भी आपको पता ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट आप प्रैक्टिस कर सके तो आप प्रैक्टिस सेट जो है एंटिटी के लिए कोई स्पेशल मुझे लगा नहीं कि आपको देखना चाहिए। तो आप PRT के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लगा सकते हैं। तो आपको जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है बुक्स ले सकते हैं। हिंदी के लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है इस मॉक टेस्ट के बाद तो मैं आपको जो है बेस्ट बुक रेकमेंड करती हूँ, अगर आप उसमें अगर क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेंगे, चाहे वो साहित्य से हो चाहे ग्रामर मतलब व्याकरण से हो। तो आराम से आप जो है जैसे कि अगर वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अपने अगर तो उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें। और मैथ्स रीजनिंग सभी से रिलेटेड मैंने बेस्ट बुक्स है आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप उनमें जाके जो भी आपको बुक सही लगे आपके जो है अकॉर्डिंग तो आप वो ले सकते हैं। आपकी जो है जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, शक्ति वर्धक। तो आपको देखना है, बस पढ़ना है एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है। तो हालांकि जो मोस्टली पूछे जाते हैं तो एक आहट आवट इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो हम उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। इससे पहले भी कम से कम 150 के आसपास जो है क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, साथ में रूल्स भी कर लिए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके अपने आप ही दिमाग में जो बैठ जाएंगी आप इजीली जो है उनको जो याद रख पाएंगे। तो शक्ति वर्धक, क्या इसमें एक वाली साउंड आ रही है लास्ट में, लौकिक प्रासंगिक वैचारिक। तो मुझे प्रासंगिक में मतलब प्रसंग प्लस एक प्रासंगिक, लोक प्लस एक लौकिक, विचार प्लस एक वैचारिक, लेकिन शक्ति वर्धक में जो है शक्ति प्लस वर्धक कह सकते हैं, तो उसमें कोई एक प्रत्यय नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तभी मैंने बताया कि आहट और आवट से बहुत प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो घबराहट में क्या है, आहट प्रत्यय, ठीक है, घबराहट। नेक्स्ट है, कौन सा असंगत इसमें पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। मृग का हरिण, हाँ सही है, मोर का केकी, तोता का कीर, लेकिन नग नक्ट ये कोई एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत शब्द का पर्यायवाची है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पीयूष, अमी, अमी और विभु। विभी जो है वो किसका पर्यायवाची है, आत्मा का, जबकि ये तीनों जो है वो किसके पर्यायवाची है, अमृत के। तो ये ध्यान रखें, अमृत का जो कह सकते हैं विलोम क्या होगा, जहर होगा,
जहर के लोग जो पर्यायवाची वो क्या कह सकते हैं, गरल होगा। गरल बहुत ही कई बार पूछा जाता है कि गरल जो है उसका पर्यायवाची बताइए, तो क्या हो जाएगा, विष, जहर। हलाहल भी जो क्या होता है, एक होता है हलाहल, बहुत पूछा जाता है ये हलाहल। हलाहल भी क्या है, एक विष है, विष कह सकते हैं, मतलब जहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो आपको देखना है इसमें कौन कौन से नहीं है। तो पहला है अचल, नग, गिरी, तो इसका मतलब ये पहाड़ के हैं। तरंगिनी, टटिनी, सरिता, ये तो नदी के हैं। सूर्यदेव, अमर, तो ये देवताओं के हैं। असी, कृपाण, सूरिका, तो ये क्या है, इसमें अलग अलग हो गए हैं, जैसे जो कृपाण है और जो ये सारी किसके असुरों के नाम है, लेकिन ये एक दूसरे से पर्यायवाची नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको तीन चीज़ें अगर मिल रही है, तो जो चौथा ऑप्शन जो बचा है वो सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में पर्यायवाची, सभी पर्यायवाची शब्द जो है सही है, रुधिर, रक्त, लहू, हाँ तो ये सही है। तरु, वृक्ष, कुसुम, तरु, वृक्ष और कुसुम, तो आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तरु का मतलब तो पेड़ है, वृक्ष है, कुसुम का मतलब तो फूल हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आपको एक पहला जो मिला है इसमें क्या पूछा गया है, सही पर्यायवाची कौन सा है, तो आपको पहले में ही मिल गया। इसका मतलब है इनमें जो आगे है उसमें कुछ होंगे, जैसे नीर, यहाँ पे पानी है, बाद में पौधा दिया हुआ है, इसमें समीर मतलब हवा है, बाद में कुछ अलग है, तो ये मतलब पहला जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची जो क्या होता है, अंबर, गगन, व्योम, तो इसका क्या हो जाएगा, व्योम। नेक्स्ट है, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है तीसरी बार अब तक के जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उनमें आ चुका है। ये सभी अलग अलग क्वेश्चंस पेपर हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स हो चुकी हैं जिनमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अब देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, वही एक दूसरे से रिपीट हो रहे हैं, जबकि इनका कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से एग्जाम से। वामा, ललना, कामिनी, रमणी शब्द किसके पर्यायवाची है, तो ये किसके होते हैं, नारी के। नेक्स्ट है, निम्न विलोम युग्मों में से सही जो है विकल्प आपको चुनना है, शुष्क, मलिन, रक्षक, रक्षार्थी, ज्ञानी, पंडित और शोक का हर्ष, तो सही जो क्या है इसका, शुष्क का मलिन और जो रक्षक का रक्षार्थी, लेकिन जो सबसे सही कौन सा है, शुष्क क्या क्या होना चाहिए, आद्र होना चाहिए, ना कि मलिन। मलिन का मतलब तो गंदा कह सकते हैं, ज्ञानी का मतलब पंडित, तो इसमें एक दूसरे का सिमिलर हो गया। रक्षक का रक्षार्थी एक विलोम शब्द नहीं है, लेकिन शोक और हर्ष जो है एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट है, निषिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप अभी के अभी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसका जो विलोम होता है, जैसे मैंने बताया जैसे जंगम का स्थावर होता है, वैसे ही जो है निषिद्ध का क्या होता है, विहित, निषिद्ध का क्या होता है, विहित, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, विहित, विहित का विलोम शब्द निषिद्ध, बहुत बार पूछा जाता है ये। निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है, और हाँ साथ ही में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको सुटेबल वर्ड या शब्द जो है वो लगाना होता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, तो उसके लिए भी हम स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उससे संबंधित डीट रिपेजबी में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको हिंदी से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, या फिर इन वीडियोस के अंदर आपने देखा नहीं होगा। तो आप साथ ही साथ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट की बजाय अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप जो है जब रिवाइज करें तो एक बार आँखों के जो है देख ले। तो जंगम का, तो जंगम आ गया क्वेश्चन, तो ये भी जंगम मुझे लगता है शायद आप चौथी या पांचवी बार ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है आपको। जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर, जंगम का विलोम क्या होता है, स्थावर, नोट कर लीजिए। मुक्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुक्त का क्या होता है, बद्ध, मुक्त का क्या होता है, बद्ध, ये भी बहुत जुड़े हुए हैं, मुक्त का बद्ध। विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुत्तीर्ण, विकीर्ण, तो क्या होगा,
इसका क्या हो जाएगा, उस विस्तीर्ण मतलब विस्तार है, जबकि संकीर्ण मतलब छोटा छोटा रूप है संकीर्ण। एक विस्तार से समझाएं, एक संक्षिप्त रूप पे, संकीर्ण रूप से छोटा। एक होती है संकीर्ण सोच, मतलब बहुत छोटी छोटी सोच है, उस तरीके से मतलब छोटा रूप, ठीक है। तो विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा, संकीर्ण। शिक्षक बड़ा भारी बृहस्पति, और ये भी हम दूसरी से तीसरी बार देख रहे हैं, से अन्यकार्थी शब्द जो है संबंधित, तो एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो किससे संबंधित है, गुरु से। किससे संबंधित है, गुरु से। तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और साथ में आपने नोट भी कर लिए होंगे। कोई भी क्वेरी अभी भी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है तो उस पर आप जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। डिस्कशन का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, क्वेश्चन पे आपको जो है, और साथ में जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और या फिर आप जो है जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा जो टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो आप सीधा वो भी जो है सर्च कर सकते हैं, इट इज़ नेहा एडुकेटर, तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो इसके अलावा अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट की जो है अगर क्लासेस नहीं ली है, तो आपको जो चैनल पर क्लासेस मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट को लेकर, और जो बेस्ट बुक्स है उनका आपको लिंक जो है दिया हुआ है। आप बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि बेस्ट बुक्स बताइए, तो वो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट की आप बुक लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी वीडियोस है, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट रिलेटेड और जो नोटिफिकेशन है या फिर जो एग्ज़ाम कब होगी, इससे रिलेटेड भी आपको जो है वीडियोस आगे बता दिए जाएंगे कि कब जो है एग्ज़ाम होनी है, और आपको जो है जो ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड आपको जो जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस बना दी है, तो आप वो जो है चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाए, सबसे पहले आप वीडियोज़ देख सकें।